आज अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत किशोरपुरा में टीकाकरण हुआ, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत किशोरपुरा को 180 डोज प्राप्त हुई, जिसमें टोकन के लिए लोगों ने प्राप्त 5:30 बजे से लाइन की कतार लग गई। पूरे दिन वैक्सीन के लिए लोगों ने इंतजार के बाद लगाई वैक्सीन। वहीं मौके पर स्कूल के समस्त स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ द्वारा लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, टीकाकरण करवाया। ग्रामीण लोगों ने वैक्सीनेशन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बार बार मांग कर रहे हैं। हमारी इस बात को चिकित्सक विभाग के तमाम अधिकारियों ने अपील की, लोगों को रिक्वायरमेंट के अनुसार डोज की एक मात्रा बढ़ाई, जिससे वंचित आम लोगों को जल्द ही जल्द टीकाकरण हो सके। अधिक लोगों के यहाँ तक 100% एक भी व्यक्ति ने बचे सब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम तो जहाँ तक तन मन धन से पूरी ग्राम जनता की सेवा करना चाहते हैं, और अधिक से अधिक लोगों के यहाँ तक 100% एक भी व्यक्ति ने बचे सभी के डोज लगे। लेकिन मैं गांव के जनता से सहयोग की अपेक्षा करना चाहता हूँ, जिससे कि शांति बनी रहे और गांव आदर्श के रूप में प्रस्तुत होता रहे। थोड़ा टाइम लग रहा था, भीड़ ज़्यादा थी, वैक्सीनेशन थोड़ा लेट पहुंचा, उसमें तुरंत जनता को भड़कते हुए देख के इन्होंने फैसला लिया कि एक साथ टीकाकरण लगा दो। OTP नंबर बाद में उनके आधार कार्ड से साइन लेके और वो सर्टिफाई करके, मतलब जैसे मोबाइल नंबर लिखवा के गुरुजी ने कहा कि हम इनको ऑनलाइन चढ़ा देंगे, तो तुरंत उनका थोड़ा सा शीघ्रता से सत्कार का निवारण किया। रही लोगों की भावना, तो मतलब स्वाभाविक ही है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा तो मैं CMHO साहब से ये दरखास्त करता हूँ कि किशोरपुरा की जो जनता है, जनसंख्या के हिसाब से तो ज़्यादा है, वैक्सीनेशन कम होता है, तो थोड़े टीकों की संख्या में वृद्धि करके भिजवाएं, ताकि हर आम आदमी को ये लाभ पहुंचे। ये दुखी है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसको देखते हुए उनको सोचना चाहिए और सहयोग करना चाहिए।